हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एलईडी लाइट जो है हमारी जो एलईडी लाइट होती है 50 वाट 100 वाट की, इसके जो है इसके लिए हम ड्राइवर जो है किस हिसाब से सेट करते हैं। तो इसमें ड्राइवर किस तरह से सेट करें मैं वो आपको बताऊंगा। देखें, हमारे पास ये जो है ड्राइव पड़ी हैं, इसकी बहुत सारी पड़ी हैं। ये तो हमारे पास पुरानी है लेकिन ये सही है। तो इस लाइट के लिए हम जो है अगर ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, नई कौन सी लगाएं या पुरानी भी कौन सी लगाएं, तो मैं वो आपको तरीका बताऊंगा इसका। तो गाइस, हमने जो है इसके लिए ये जो है हमारे इसके प्रिंट देख लेने, ये वाला प्रिंट जो है हमारा डायरेक्टली इधर आया है और प्लस वाला जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ चल रहा है और वो फुल है यहाँ से यहाँ तक, कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है हमारी जो है एलईडी टोटल जो है एक साथ आ रही है इस तरह से। तो एलईडी हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलईडी हैं ये। तो 10 एलईडी का मतलब ये हुआ तकरीबन ये 33 वोल्ट की रेंज में लेकर के चलेंगी हमारी जो एलईडी हैं ये। एक एलईडी जो होती है हमारी ये तकरीबन 3.3 वोल्ट की होती है। तो ये 10 एलईडी हैं तो तकरीबन 33 वोल्ट हमारे बनते हैं। तो हमारे जो ये ड्राइवर होते हैं ये अलग अलग वोल्ट के आते हैं, तो इसे हम देखते हैं ये कितने वोल्ट का है हमारा। तो ये वाली जो ड्राइवर है, ड्राइव जो है हमारी, इसके जो आउटपुट वोल्ट है तो 78 वोल्ट आ रहे हैं ये। तो ये वाली अगर हम ड्राइव इसके अंदर लगाएंगे तो ये तो काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके वोल्ट 78 है। तो ये तकरीबन 50 वोल्ट या 60 वोल्ट या 80-90 वोल्ट तक ये हमारी काम कर जाएगी। और हम इसमें से दूसरी ड्राइव देखते हैं, तो ये जो हमारी ड्राइव है ये इसके जो हैं आउटपुट वोल्ट 25 से लेकर के 38 वोल्ट। तो ये हमारी जो ड्राइव है ये अगर सही हुई तो ये वाली हमारी काम कर जाएगी, क्योंकि इसके जो आउटपुट वोल्ट है 25 to 38 वोल्ट है। तो हमारी जो एलईडी हैं तो इसमें से अगर हम और भी कम कर दें या दो तीन एलईडी हम अगर इसके अंदर बढ़ी हुई भी होती इस तरह से या घटी हुई होती तो ये वाली हमारी ड्राइव इसमें काम कर जाएगी। तो हम इसको जो है देखें, इसको लगा करके देखते हैं तो ये काम करती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है इसके देखे कनेक्शन कर दिए है, तो मैं इसको अब ऑन करके देखता हूँ। तो ये देखें, हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल सही काम करने लगी है। तो इसका जो है ड्राइव सेट करने का यही सिस्टम होता है। इसके जो वोल्ट हैं तो ये 25 to 38 वोल्ट है। अगर ये वोल्ट रेंज अगर हमारी ज़्यादा होगी तो तकरीबन अगर 32, बहुत सी जो लोकल ड्राइव आती है 32 तकरीबन 90 वोल्ट या 120 वोल्ट तक ही आती है, तो उसमें क्या है कि वो ख़राब जल्दी हो जाती हैं फिर, क्योंकि इसके अंदर जो मॉस्फेट लगा होता है जो वोल्ट को कंट्रोल करता है वो ओवरहीट होता है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाती है फिर। तो जो ओरिजिनल जो ड्राइव आती है वो उसके जो वोल्ट है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, नज़दीकी ही होता है। तो गाइस, हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।